आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम ऐप में अपने एटीएम कार्ड यानी कि अपने डेबिट कार्ड को ऐड कैसे कर सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं, उसमें कैसे लिंक कर सकते हैं पेटीएम से आप, और उसके बाद में आप उससे पेमेंट वगैरह भी कर सकते हैं अपने एटीएम से, राइट। तो ये प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ। लाइव मेरा एक एटीएम है, उसको मैं इस पेटीएम से ऐड करने वाला हूँ, पेटीएम से लिंक करने वाला हूँ यहाँ पे, राइट। और ऐड करके मैं आपको बताऊँगा कि आप ऐड करके उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं एटीएम का, पेटीएम में ऐड करके उसका क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ऐड करने के लिए आपको पेटीएम में आ जाना है, पेटीएम को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप पेटीएम को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपको पेटीएम में अपना एटीएम कार्ड यानी कि अपना डेबिट कार्ड लिंक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पेटीएम में आपका बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए या फिर आपका उसी बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, आपका पेटीएम में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है, मतलब जिस बैंक का एटीएम लिंक कर रहे हैं पेटीएम से, उसका बैंक अकाउंट भी लिंक होना ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपका पेटीएम में आप पेटीएम डाउनलोड करके और पेटीएम में अपना नंबर डाल के अकाउंट बना लें, सिंपली इतना ही करना है आपको। इतने के बाद ही आप यहाँ पर लिंक कर पाएंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग्स का, आप इस पर क्लिक कर देंगे, राइट। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे आप स्क्रॉल करेंगे और आपको यहाँ पे एक सेव्ड कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, आप सेव्ड कार्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, यहाँ पे यदि आपके पहले से कोई कार्ड लिंक होगा आपका तो वो यहाँ पर आपको दिखेगा, यदि आपका कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपको यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आपका पहले से एक आध कार्ड लिंक है यहाँ पे तो आप दूसरा करना चाहते हैं तब भी आपको यहाँ पे ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। यदि नहीं है तब भी आपको ऐड न्यू कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। आप दोनों सिचुएशन में इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे ये आपसे कहेगा कि ये ऐड करने के लिए आपके एटीएम से यानी कि आपके डेबिट कार्ड से 2 रुपये काटेगा और उसके बाद तुरंत ही आपके एटीएम में वापस कर देगा 2 रुपये, राइट। तो हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, हम यहाँ पे फर्स्ट में कार्ड नंबर डाल देंगे, जो हमारा कार्ड है उसके ऊपर नंबर डले रहते हैं उसके फ्रंट में, तो वो कार्ड नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद में एक्सपायरी वैलिडिटी का ऑप्शन आता है, ये भी कार्ड के ऊपर लिखी रहती है, जो आपका नंबर लिखा होगा कार्ड नंबर उसके नीचे लिखी होगी एक्सपायरी मंथ में और ईयर में, तो वो एक्सपायरी आप यहाँ पे डाल देंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक्सपायरी लिखी होगी कि इसका आप यहाँ पे कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद में एक्सपायरी लिखी होगी मंथ में और ईयर में। जैसे आपका कार्ड एक्सपायर होने वाला है 2026 में, तो किसी मंथ में होने वाला है, जैसे यहाँ पे आपका दिसंबर में एक्सपायर होने वाला है तो 12 यहाँ पे आपका महीने लिखा होगा 12 और उसके बाद में 26 लिखा होगा 2026, तो इस टाइप से ये एक्सपायरी लिखी रहती है कार्ड के ऊपर, तो वो डाल दें आप। इसके बाद में आप CVV डाल दें, CVV ये कार्ड के पीछे लिखा होता है, कार्ड का जो बैक होता है बैक साइड, वहाँ पे 3 अंक का CVV लिखा रहता है, तो वो आप यहाँ पे CVV डाल दें और पे पे क्लिक कर दें सिंपली। अब यहाँ पे ये आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड करेगा, उस वाले मोबाइल नंबर पे OTP सेंड करेगा जो आपका ATM कार्ड से लिंक होगा, यानी कि जो आपके डेबिट कार्ड से लिंक होगा, मतलब जिस बैंक का एटीएम कार्ड है, जिस बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे आपका जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा और वो OTP यहाँ पे टाइप करेंगे आप, या ये ऑटोमेटिक ले लेगा यदि आपके इसी मोबाइल में वो मोबाइल नंबर डला हुआ है तो, यदि दूसरे मोबाइल में डला हुआ है तो आप यहाँ पर डाल दें और इसी मोबाइल में है तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसके बाद में आप पे सिक्योरली पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हमको लिखा दिख रहा है योर कार्ड इज़ सक्सेसफुली सेव्ड। अब यहाँ पर भी हमको दिख रहा है डेबिट कार्ड हमारा एक्सिस बैंक का है, एक्सिस बैंक का लोगो दिख रहा है यहाँ पे, और ये वीजा कार्ड है ये भी दिख रहा है यहाँ पे, तो हमारा कार्ड ये सक्सेसफुली लिंक हो चुका है यहाँ पर, राइट। अब आपको ये 3 डॉट दिखेंगे, इन पर क्लिक करके और आप यहाँ पर डिलीट कार्ड पर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यदि इन फ्यूचर आपको इसको रिमूव करना हो तो यहीं से आप रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं इसके आपको बेनिफिट दिखाऊंगा कि ये डेबिट कार्ड आपको ऐड करने के यहाँ पे क्या बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे आप बैक चले जाते हैं, पेटीएम के होम पेज पे चले जाएंगे हम सबसे पहले। अब यहाँ पे पेटीएम के होम पेज पर आ गए हम। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे काम करने के लिए आपका बैंक अकाउंट लिंक
की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपका डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड आपने लिंक कर लिया है तो आपको बैंक अकाउंट वगैरह लिंक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आप मोबाइल रिचार्ज पर क्लिक करेंगे और सिंपली आप अपने एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। आप डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके पेमेंट करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, आप ओटीपी टाइप करेंगे तो आप सक्सेसफुली इससे कर सकते हैं पेमेंट। आप बिजली का बिल भर सकते हैं। ये सब आप ऐसे कुछ काम है जो कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं इससे, आपका ये जो पेटीएम वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, आप इस पर क्लिक करके और यहाँ पे अपने पेटीएम वॉलेट में भी पैसा ऐड कर सकते हैं अपने डेबिट कार्ड से यानी कि अपने एटीएम कार्ड से। आपको बैंक अकाउंट लिंक होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास यदि किसी बैंक का बैंक अकाउंट नहीं है जो लिंक कर सकें आप, आपके पास ओनली डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है तो उससे आप ये सब काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे पेटीएम वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं इसी से। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड के थ्रू। राइट, यदि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।